A very good morning friends, आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट है उसको डिस्कस करने के लिए। जनरली आप देखोगे कि जब डिपार्टमेंट की कोई इंक्वायरीज होती हैं या कोई समन इशू होता है या इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको बुलाया जाता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाया जाता है या स्टेटमेंट देने के लिए बुलाया जाता है, तो जनरली जो टैक्सपेयर है, जो असेसी है, उसका एक प्रेफरेंस रहता है कि उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट या उसका लॉयर जो है उस वक्त उसके साथ अवेलेबल रहे, प्रेजेंट रहे, जब उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा हो या जब उसने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने हो। तो फ्रेंड्स, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट मेरे हिसाब से है, दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है जो ऑलरेडी 2 महीने पुराना हो चुका है, बट स्टिल मुझे लगा कि ये रेलेवेंट है, एटलीस्ट हमको सबको मालूम होना चाहिए। ऑल दो आई वुड से कि ये डिपार्टमेंट के फेवर का जजमेंट है, बट फिर भी देखिए, डिपार्टमेंट के फेवर का हो या डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में हो, टैक्सपेयर के फेवर का हो या टैक्सपेयर के अगेंस्ट में हो, एटलीस्ट अगर वो लॉ बन रहा है या लॉ सेटल हो रहा है, तो इट बिकम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ व्हाट आई कैन से एज अ मे बी एज अ लॉयर और मे बी एज अ टैक्स कंसल्टेंट और मे बी एज अ सिटीजन, कि अगर मुझे वो मालूम पड़ रहा है और मुझे लगता है कि ये लॉ सेटल करने के लिए ये जजमेंट है या डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं वो शेयर करूं आपके साथ। फ्रेंड्स, ये जजमेंट है सुधीर कुमार अग्रवाल वर्सेस डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, जिसको हम डीजीजीआई बोलते हैं, सुधीर कुमार अग्रवाल। जजमेंट में अगर मैं बोलूं तो कुछ ऐसा था कि 20 सितंबर 2019 को एक दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया जहां पे उन्होंने कहा था कि जब भी आपको समन देके बुलाया जाए या जब भी आपकी क्वेश्चनिंग हो रही हो, जब भी आपके लिए इन्वेस्टिगेशन हो रहा हो, तो वहां पे लॉयर को अलाउ किया जा सकता है कि वो वहां पे प्रेजेंट रहे। तो फ्रेंड्स, एक इंस्टेंट एप्लीकेशन जो रिस्पॉन्डेंट यानी डीजीजीआई है, उनके लॉयर ने एक इंस्टेंट एप्लीकेशन मूव की और 20 सितंबर 2019 के जजमेंट जो इस दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा थी, उसको मॉडिफाई करने की प्लीड की, रिक्वेस्ट की। अब फ्रेंड्स, अगर मैं थोड़ा सा फैक्ट्स बताऊं तो फैक्ट्स कुछ इस तरीके से हैं कि जो पिटिशनर है यानी सुधीर कुमार अग्रवाल जी, जो पिटिशनर है, पिटिशनर की एक प्रमाइसेस जो उसने लीज आउट की हुई थी, वहां पे मिस्टर जायसवाल करके रहते थे, उनके यहां इन्वेस्टिगेशन हुआ और उसी इन्वेस्टिगेशन में जिस कंपनी में पिटिशनर डायरेक्टर थे, उस कंपनी की इंफॉर्मेशंस भी डिस्कस की गई या मांगी गई। तो पिटिशनर को यह डाउट हुआ कि उसको समन दे के बुलाया जा सकता है और वो रेडी भी है समन दे के, समन अगर आए तो इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करने के लिए या उसमें हेल्प करने के लिए, वो डिनाई नहीं करता, बट कहीं ना कहीं उसको यह डर लगता है कि जैसे मिस्टर जायसवाल को या जैसे उसके एक एम्प्लॉई मिस्टर गर्ग को डिटेन किया गया और हैरेस किया गया फिजिकली, मेंटली, और उनको एक ट्रॉमा के फेज में उन्होंने देखा पिटिशनर ने, तो उन्हें यह डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको भी मैन हैंडल किया जाए, मेंटली, फिजिकली और वर्बली ऑफिसर्स के द्वारा हैरेस किया जाए, इसलिए वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने गए और ऑनरेबल कोर्ट के सामने उन्होंने ये प्लीडिंग या प्रेयर रखी कि वो समन के सामने कोऑपरेशन करने के लिए और इन्वेस्टिगेशन में असिस्ट करने के लिए रेडी हैं, बट वो ये चाहते हैं कि कोर्ट ऐसा डायरेक्शन दे कि उनके खिलाफ कोई भी कोएर्सिव एक्शन ना लिया जाए, कोई भी हैरेसमेंट उनके साथ नहीं किया जाए। प्लस उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कि उनका जो लॉयर है उसको अलाउ किया जाए कि वो वहां पे जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा हो या जब उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा हो तब वहां पे अवेलेबल रहे उनके साथ में। उन्होंने एक जजमेंट पे रिलाई किया जो 1987 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अगर मैं साइटेशन बोलूं तो इट इज 1987 ब्रैकेट 2 SCC 424, दैट इज नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानियन अनदर्स। सो नंदिनी सतपति पे उन्होंने रिलाई किया जिसमें ऐसा बोला गया था कि जब भी कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन हो रही हो
तो वहां पे लॉयर को अलाउ किया जा सकता है। फ्रेंड्स इसमें काफी आर्ग्यूमेंट्स हुए। एक अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है जहां पे बोला गया कि 7 साल से अगर कम की कोई भी जजमेंट हो तो उस सिचुएशन में जो अक्यूज पर्सन है उसको कस्टडी में रिमांड नहीं किया जा सकता जब तक कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो। ट्रायल विल नॉट गो इनटू दोज डिटेल्स क्योंकि ये पर्पज नहीं है इस वीडियो का। इस वीडियो का पर्पज है कि फाइनली प्रिंसिपल क्या लेट डाउन किया और वो क्यों लेट डाउन किया गया। तो इस पिटीशन में पिटीशनर ने कहा कि ऑल्दो उसको अभी समन अपियर होने का नहीं मिला है लेकिन वो रिस्पोंडेंट के सामने अपियर होने के लिए रेडी है, प्लस रिस्पोंडेंट के पास सारे डॉक्यूमेंट जो उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है उसकी कंपनी से रिलेटेड वो उनके पास ऑलरेडी है, तो उसके सामने कोई भी कोअर्सिव एक्शन नहीं लिया जाए और नंदिनी सतपति पे मैं रिलाई करता हूं और इसलिए मेरे लॉयर को उस समय अवेलेबल रहने के लिए अलाउ किया जाए। फ्रेंड्स इसके रिप्लाई में जो रिस्पोंडेंट है उसके लॉयर ने ये बोला कि यस वी आर ड्यूटी बाउंड टू फॉलो नंदिनी सतपति जजमेंट और उनके इस अग्रीमेंट के बेसिस पे ही ऑनरेबल हाईकोर्ट ने 20 सितंबर 2019 को अलाउ किया कि नो प्रॉब्लम आप अपने लॉयर को रख सकते हैं, अवेलेबल हो सकता है आपका लॉयर उस समय। अब फ्रेंड्स अगर इसमें आगे जाएं तो बाद में उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया जो रिस्पोंडेंट के लॉयर थे कि चूंकि इस मैटर में फेक इनवॉइसेस के बेसिस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत अवेल की जाने वाली स्थिति है इसलिए जो सतपति नंदिनी सतपति का केस है उसको रिलाई ना करके उन्होंने एक दूसरा केस बताया जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 1992 का जजमेंट था, पूल पंडी वर्सेस सुप्रिटेंडेंट सेंट्रल एक्साइज एंड अदर्स। इस जजमेंट में ऐसा बोला गया है कि कस्टम्स ऑफिस में कोई भी इन्वेस्टिगेशन या स्टेटमेंट के रिकॉर्डिंग के समय किसी भी लॉयर की प्रेजेंस अलाउड नहीं है। आई एम रिपीटिंग, कस्टम्स ऑफिस के ऑफिसर के द्वारा जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन या स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जा रहा हो तब लॉयर की प्रेजेंस अलाउड नहीं है। पूल पंडी वर्सेस सुपरिटेंडेंट सेंट्रल एक्साइज एंड अदर्स। दिस वॉज द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन 1992 एंड द साइटेशन इज AIR 1795 सुप्रीम कोर्ट। सो फ्रेंड्स रेस्पोंडेंट के लॉयर ने इस जजमेंट के ऊपर रिलाई किया एंड ये प्रेयर किया कि इस केस में भी सुधीर कुमार अग्रवाल जी को जब इन्वेस्टिगेट या जब क्वेश्चन किया जा रहा हो या उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा रही हो तब लॉयर को अपियर होने का या अवेलेबल रहने का या प्रेजेंट रहने का परमिशन ना दिया जाए। फ्रेंड्स इसका बेसिक क्रक्स ये है, चूंकि ये जीएसटी का केस है, जीएसटी और कस्टम्स को इक्वेट किया गया और ये कहा गया कि ये जीएसटी का केस है, फेक इनवॉइसेस का केस है जिसके ऊपर गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया गया है, तो ऑनरेबल कोर्ट पूल पंडी के जजमेंट पे रिलाई करे एंड अकॉर्डिंगली वो लॉयर की प्रेजेंस को डिसअलाउ करे। फ्रेंड्स यहां पे भी ये भी देखना पड़ेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो रिलेवेंट प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के हैं उसको इस स्पिरिट में अपने को देखना पड़ेगा। ये इस जजमेंट का पार्ट है, उस स्पिरिट में अपन को देखना पड़ेगा और एनालिसिस करना पड़ेगा कि वो बेनिफिट्स टैक्स इवेडर्स या टैक्स के एक्सप्लॉयटर्स को ना मिले। तो दैट इज द पर्पस व्हाई पूल पंडित जजमेंट वॉज द जजमेंट जो डिफ्रेंशिएट करता है नंदिनी सतपति के साथ। आर्ग्यूमेंट यह था कि पहली बात तो कस्टम्स ऑफिसर जो है वो पुलिस ऑफिसर नहीं है, सेकेंडली जो फैक्ट्स ऑफ द केस है वो नंदिनी सतपति के डिफरेंट है
इन कंपैरिजन टू पूल पंडित एंड देयरफॉर इस केस में चूंकि ये जीएसटी का इशू है यहां पे पूल पंडित इज अप्रोप्रिएट टू बी रिलाइड अपॉन एंड देयरफॉर जो कंसल्टेंट है या एडवोकेट है ही शुड नॉट बी अलाउड टू बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन और रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट। इसी तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट का एक दूसरा जजमेंट है सुधीर गुलाटी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1998 का जजमेंट है दिल्ली हाईकोर्ट का। उसमें भी यही बोला है कि लॉयर की असिस्टेंस अलाउ नहीं की जा सकती जब भी कोई कस्टम्स ऑफिस के अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही हो। सो नाउ फ्रेंड्स इट इज वेरी क्लियर कि समन का प्रोविजन लॉ में है। सेक्शन 70 बोलता है कि आप समन दे सकते हैं किसी भी इंसान को और उसको बुला सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए, एविडेंस देने के लिए या स्टेटमेंट देने के लिए। तो फ्रेंड्स अगर सुधीर गुलाटी जी को बुलाया जाता है तो उनको जाना पड़ेगा, उनको स्टेटमेंट उनके रिकॉर्ड की जाएगी और प्लस पूल पंडित के केस के बेसिस पे ये जजमेंट फाइनली मोडिफाई हुआ और दिल्ली हाईकोर्ट ने यह बोला कि यस इन केस ऑफ एनी सच इन्वेस्टिगेशन बाय जीएसटी ऑफिसर ऑन द बेसिस ऑफ समन इश्यूड और ऑन एनी अदर बेसिस द प्रेजेंस ऑफ लॉयर शैल नॉट बी परमिटेड और क्लियरली बोल दिया कि नाउ दे आर relying on Pool Pandit versus Superintendent Central Excise and others 1992 AIR 1794-95 Supreme Court that this judgment जो उन्होंने 20 September को दिया था उसको modify कर रहे हैं and now it is clarified that presence of a lawyer cannot be allowed to the petitioner at the time of questioning or examination by the officers of the respondent meaning thereby DGGI की investigation के दौरान DGGI की statement recording के दौरान कोई भी लॉयर को परमिट नहीं किया जा सकता कि वो वहां पे आके उनको असिस्ट करे अपने टैक्स पेयर को या अपने क्लाइंट को। सो फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगा कि ऑल्दो ये जजमेंट टैक्स पेयर के अगेंस्ट है, डिपार्टमेंट के फेवर में है, बट स्टिल ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जनरली क्लाइंट नाखुश होता है या क्लाइंट हमेशा चाहता है कि उसका लॉयर उसके साथ अवेलेबल रहे जब उसको उसकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो रही हो। तो पुलिस के केस में एक डिफरेंट इशू है लेकिन कस्टम्स अथॉरिटीज के केस में या जीएसटी अथॉरिटीज के केस में ये केस रेलेवेंट हो जाएगा पूल पंडित और अभी सुधीर कुमार अग्रवाल वर्सेस डीजीजीआई जो जीएसटी के रिजीम का जजमेंट है वो रेलेवेंट हो जाएगा एंड देयरफॉर इस जजमेंट में ब्लंटली बहुत क्लियरली बोल दिया गया है कि ऐसे किसी भी समन की एग्जामिनेशंस के दौरान या इन्वेस्टिगेशन के दौरान लॉयर को अलाउ नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स प्लीज कीप दिस जजमेंट इन माइंड एंड एज पर मी ये बहुत रेलेवेंट जजमेंट है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।